हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं प्रणव शर्मा आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेस की पजल दिखाने जा रहा हूँ। सो ये है पोजीशन और इस पजल को हम पजल नोन एज स्टेयरवे टू हेवन भी कहते हैं। सो व्हाइट के पॉन्स है f2 पे, e3 पे, b4 पे, c5 पे, b6 पे और a7 पे। और वैसे ही उसी रो के अंदर ब्लैक के पॉन्स है b7 पे, c6 पे, d5 पे, e4 पे और किंग a8 पे है ब्लैक का और हमारा किंग g8 पे है, g1 पे है। सो यहाँ व्हाइट टू मूव है और व्हाइट को जीतना है, विन करनी है, स्टेलमेट नहीं करनी है, विन करनी है व्हाइट को। इन्फ्लुएंस से पहला मूव f4 भी हो सकता है और f3 भी। अगर f3 होगा तो भी पॉन टेक्स फोर्स है और अगर f4 आएगा तो भी एन पासन से हम पॉन ले लेंगे। तो पॉन लेना फोर्स के जस्ट और अब हम यहाँ से ना किंग f2 जा सकते, नहीं तो स्टेलमेट हो जाएगी, पॉन मूव नहीं कर सकता है और ये किंग के पास कोई जगह नहीं है। सो हमें इसके बाद किंग f1 पे मूव करना पड़ेगा और वो जैसे f2 करेंगे क्योंकि f2 फोर्स है और वो मूव नहीं है, हम e4 करेंगे। हम इसमें भी टेक्स नहीं ले सकते क्योंकि स्टेलमेट हो जाएगी। तो हम e4 करेंगे और पॉन टेक्स फोर्स है और जैसे ही हम टेक्स लेंगे उसके पास एक ही मूव है e3 चेक। हम किंग टेक्स नहीं मार सकते बिकॉज ऑफ स्टेलमेट, हमें तो विन करना है। सो जैसे e3 चेक आएगा हम नहीं किंग e2 जा सकते बिकॉज स्टेलमेट। सो हमें किंग तो e1 ही जाना पड़ेगा इस बार भी और जैसे e2 आएगा वी कैन टेक बिकॉज ऑफ स्टेलमेट। सो d5 और c×d5 जस्ट फोर्स्ड है और king×e2 और यहां से जैसे लाइट d4 आएगा सो हम जाएंगे king×d2 और जैसे वो d3 के लिए जाएंगे हम लाइक king×d1 भी जा सकते हैं और जैसे वो d2 आएंगे हम टेक्स ले लेंगे। टेक्स चलो ले नहीं सकते बिकॉज स्टेलमेट है, तो हमें c3 करना पड़ेगा, c6 करना पड़ेगा लेकिन उसमें थोड़ा लेकिन वो नहीं है ठीक एग्जांपल। यहाँ से हमें पहले ठीक से करना है जैसे उन्होंने पुश किया c6 क्योंकि जैसे b×c6 आएगा हम king×d3 मारेंगे, king×2 अगर b7 आएंगे देन king×c4 एंड king×8 जस्ट फोर्स्ड और लाइक अगर c5 भी जाएगा तो ग्रीन टेक्स ले लेंगे। king×8 जस्ट फोर्स्ड और king×c5 king×b7 जैसे king×d6 जाएंगे वो सिंपली बैक लेंगे यहाँ से क्योंकि जैसे हम टेक्स लेंगे स्टेलमेट हो जाएगी पोजीशन, तो हम टेक्स नहीं ले सकते यहाँ भी। हमें यहाँ से सिंपली king×d7 जाना होगा और वो जैसे king×b7 आएंगे अभी भी हम टेक्स नहीं ले सकते और लाइक ऐसे तो ड्रॉ भी हो जाएगा, आप बैक लोगे वो बैक लेंगे, हम यहाँ ये वापसी से वो king×b7 जाएगा और king×d8 कुछ होएगा ही नहीं इसका रिजल्ट। तो जैसे ही वो यहाँ है b7 पे थे हमें यहाँ क्वीन बनानी है, a8=2 चेक है, कोई मूव भी नहीं है तो king×8 जस्ट फोर्स्ड है और जैसे king×c6 आएगा हाँ king×b8 जाना है फोर्स्ड है और कोई मूव नहीं है और हम b7 के बाद b7 जैसे ही खेलेंगे हमारा अंडर प्रमोट होने वाला पॉन जैसे ही किंग इस जगह को छोड़ेगा लाइक king×a7 ही जा सकता है वो, तो हम king×c7 चले जाएंगे इस वाले स्क्वायर को सेव करने के लिए और डायरेक्ट क्वीन बनाने की थ्रेट रखेंगे। और जैसे ही वो king×a6 जाएंगे हम क्वीन बना लेंगे और उसके बाद दिखाई देता हूँ आपको कि इस पोजीशन में भी चेकमेट कर ही देते हैं। king×a5, king×c6, king×a4, king×c5, king×a3, king×c4, king×a2, king×c3 एंड देन जैसे वो king×a1 आएगी तो लाइक queen×b2 चेकमेट और अगर वो king×a3 आएगी तो queen×a8 चेकमेट। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी
वीडियो को लाइक और शेयर करें।